बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मंथली रिव्यू के साथ हाजिर है। इस मंथ की क्लोजिंग देखें तो एक रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है मार्केट 71,100 पे। अच्छा, इसका हाई जो था, मैं आपसे यहाँ शेयर कर लेता हूँ दोबारा। यहाँ पे ये तकरीबन 73,300 के अराउंड था। यहाँ पे इसको मैं ठीक है 73,300 करीब जो हाई किया था। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है इसमें 10 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया था, जो बेंच मार्क था वो अचीव हो गया था। जिस तरह, अच्छा मैं आपके साथ ये जरा वीकली की शेयर कर दूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखें यहाँ पर भी ये 9.5 ट्रिलियन, ठीक है, ये दिसंबर जो है तकरीबन दिसंबर के मिड में जो है हो गया था अचीव। और इसके बाद देखें फिर हमने यहाँ फिर करेक्शन देखी थी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी, फिर यहाँ से फिर हमने इसमें करेक्शन देखी, फिर यहाँ से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। वो लेवल है ये वाला लेवल 59,000, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया भी है, अच्छा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से जो है तकरीबन 59,259,000 के करीब जो थी, तो यहाँ पे देखें अगर ये मार्केट गई थी तो यहाँ से तकरीबन इसका मैं हाई भी आपके साथ शेयर कर दूं, जिसने हाई किया था ये वाला, ठीक है, 67,000 के करीब। तो 67,000 करके फिर इसने 59,000 तकरीबन 8,000 बनता है, तो ये पॉइंट ड्रॉप भी किए थे, तो इसीलिए अब इतने हाई लेवल पे 8-9,000 जो है वो ड्रॉप होना और इतने पॉइंट की करेक्शन लेना वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं मंथली में आपके साथ शेयर करूं तो देखें यहाँ पर भी जो है 10 ट्रिलियन हो गया है और यहाँ पे रिजेक्शन भी आई है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़े, जिस तरह यहाँ पे अगेन मैं आपके साथ चलिए वीकली शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना, वीकली पे ये यहाँ पे अब मतलब यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर ये अपसाइड पे गए मार्केट, फिर ये डाउन हुए, तो हो सकता है ये साइडवेज हो या हो सकता है इसी तरह फ्लक्चुएशन दिखाए। तो लेकिन इसका अभी देखे ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना, 14 हफ्ते तक जो है इसके बाद मार्केट यहीं पर इसी के जो बैंड है, इसी के ये चैनल समझ लें, इसी में ये परफॉर्म करती रही, इसी के अंदर 67,000 से लेके 59,000, इवन यहाँ पे ये बीच में जो है मिडिल बैंड समझ लें 64,600 का था, यहाँ पे मार्केट परफॉर्म करती रही इसके बीच में काफी, ठीक है ना, ये अपसाइड था मैक्सिमम, ये लोअर साइड था, फिर यहाँ से ये इसका हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, फिर ये यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, देखे ना यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज रही 1, 2, 3, 4 वीक, फिर 5वें 5वीं वीक से यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाई है 1 अप्रैल से अगर देख लें तो। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये इसने इसको निगेट किया, जिस तरह यहाँ पे ये डोजी फॉर्म हुआ, फिर इसको निगेट किया, फिर ये मार्केट यहाँ डाउन साइड में यहाँ सब फिर यहाँ कंसोलिडेट करती रही इस एरिया के दरमियान 64,600, 59,200, 59,100 यहाँ पे मार्केट परफॉर्म करती रही। अच्छा, इसी तरह आप वीक में हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वापस ये 67,000 पे आ सकती है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैंने आपसे जैसे कहा था। तो अभी इस वक्त हम सीपीआर देख लें, तो सीपीआर इस वक्त जो है 72,161, इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। 73,300 ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होगा इसका, यहाँ से रेजिस्ट करती है मार्केट तो वापस नीचे आएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ वीकली रैपअप शेयर किया था तो 71,100 के करीब जो इसका लोअर बैंड था उधर मार्केट क्लोज हुई है। तो अब ये मार्केट इधर अगर क्लोज हुई है तो इसका सीपीआर का लेवल्स भी जो है वो चेंज हो गए हैं। अब इस वक्त जो लोअर लेवल पे, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सपोर्ट लेवल 70,600, 5,000 इसके अराउंड बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 70,600 यहाँ पे ये पिविटल अब सपोर्ट यहाँ पे इसका आ गया है, सीपीआर के हिसाब से लोअर बैंड है इसका। और अपर साइड पे जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था 73,600, वो अभी तक वो रेजिस्टेंस अभी तक जो है इसने रिटेस्ट नहीं किया है, हो सकता है आने वाले दिनों में, जिस तरह यहाँ पे एक रिजेक्शन देखी थी और फिर अगेन हमने इसको ब्रीच होते हुए देखा, तो हो सकता है ये 73,600 को ब्रीच करते हुए मार्केट मजीद अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो अभी हम इसी को कंसिडर करेंगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 73,300, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तो आगे वाले लेवल अभी डिस्कस करना बेकार है, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम सीपीआर के हेल्प से देखेंगे तो 70,600 यहाँ पे थोड़ा रिस्क बनता है, यहाँ पे लेना चाहिए और
अगर वीकली पे आरएसआई देखें तो इस वक्त 70 पर है, और मंथली का आरएसआई जो है वो 82 पर है, ठीक है। और डेली पे भी एक नजर डाल लेते हैं। डेली में अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी समझे यहाँ पे ये गुंजाइश है करेक्शन की, नीचे आने की मजीद। अभी इस वक्त समझे अभी 64 से ऊपर जाती तो ओवर बॉट जोन में चली जाएगी। और आवरली पे देखें तो आरएसआई 33 पे आ गया, यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन पे हो सकता है कि ये जो मैंने आपको बताया 70,600 या इवन 70,000 से थोड़ा 71,000 के करीब मार्केट, क्योंकि जाहिर से आरएसआई लो हो गया है तो यहाँ से वो जो कहते हैं ना शॉर्ट रिकवरी यहाँ से हम देख सकते हैं। आवरली के हिसाब से देखें तो शॉर्ट रिकवरी डाउन साइड से आ सकती है, यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। फिर अगेन वही देखेंगे कि मजीद अपसाइड जाने के लिए सीपीआर के लेवल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आइए हम फिर इसी की तरफ आ जाते हैं। चलें मैं आपको यहाँ से वो जो है मंथली से शुरू कर देता हूँ। मैंने आपको एक मैंने लास्ट वीक में एक इंडिकेटर बताया था MA5, जो एक जिसको मैं अपनी जबान में रेलवे लाइन बोलता हूँ, उसी लाइन में अगर ये मार्केट परफॉर्म कर रही होती है, उसको रिटेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट दिखा रही होती है, मतलब वो लाइन नीचे होनी चाहिए तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट आपको दिखाती रहेगी, ठीक है ना। ये मैं ले लेता हूँ, इसको हम कर देंगे, इसका जो पीरियड है इनपुट है लेंथ जो, इसकी हम 5 कर देंगे, ठीक है। ये हम चेंज कर देंगे, देखें आप ऑटोमेटिक ले दें, सिंक्रोनाइजेशन देखें आप इसकी, देखें ना 70,600 को मैंने बताया, और ये देखें MA5 भी 70,600 के करीब ही आ रहा है, 70,600-500 यहाँ पे। और प्राइस एक्शन के साथ मतलब समझे सीपीआर का लेवल, MA कुछ इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का, वो भी इधर जो है उसको इंडिकेट कर रहा है इस लेवल को, और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये 70,600-500 इवन ये जो है 69,700, ये देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेवल भी हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, 69,700-600-800 ये जो है ये लेवल जो है रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम देखें तो MA 25 के हिसाब से जो हम जैसे कहते हैं ना रेलवे लाइन, जैसे यहाँ पे भी देखें थोड़ा नीचे आई मार्केट, यहाँ तो इसको देखेंगे इसको जैसे ये बताए 9 ट्रिलियन, तो हो सकता है देखें ये इसको उसने ब्रेक भी किया था इस लेवल को, मार्केट और मजीद नीचे आई थी, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि रिजल्ट सीजन जो तकरीबन खत्म हो गया, क्वार्टर के 9 मंथ के जिनके आने थे वो खत्म हो गए, अब नेक्स्ट जो है वो जुलाई से शुरू होगा, तो ये समझे मई और जून ये थोड़ा जाहिर सी बात है इसमें वॉलीटिलिटी काफी रहेगी। अब जिनकी अच्छी अनाउंसमेंट है उसमें ही लोग जो है इंटरेस्ट लेंगे, तो उनमें जो है आगे जो है ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है, तो उसमें उनकी प्राइस में भी हम इंक्रीज देख सकते हैं। तो आप जो इंडिविजुअल जो है स्पेसिफिक स्टॉक है जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, उनको आप फोकस करें, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे आती है तो आपको बाय अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी डाउन साइड पे, कि आप अच्छे स्टॉक जो है जिनकी ग्रोथ अच्छी है रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो डाउन साइड पे आप बाय कर सकते हैं। तो आगे हम कहाँ देख सकते हैं मार्केट को, देखें जिस तरह मैंने बताया 67,000, तो ये भी हम देख सकते हैं। अगर हम देखें जैसे यहाँ पे 8,000 का जो करेक्शन आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 67,000, ऑब्वियसली 65,000-67,000 आ सकता है, इवन ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये लेवल भी आ सकता है 66,000 का लेवल, यहाँ पे भी ये ठीक है, तो ये एक नॉर्मल करेक्शन होगी, ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन ये अभी ये है कि अगर ये सबसे बड़ी बात ये है कि 70,600 का जैसे यहाँ पे कोई लेवल ब्रेक हुआ था तो आप सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग मेरा मतलब है, तो शॉर्ट सेलिंग को तो मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, जो करना चाहे वो करें। तो इस एरिया में जैसे ये इसको ब्रीच करता है तो आप जो है इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दें, तो और नीचे आपको फिर वही स्टॉक जो है डिस्काउंटेड रेट पे मिल सकता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 100 इंडेक्स में जिनका वेटेज है, क्योंकि केसी 100 का मैं कर रहा हूँ एनालिसिस, तो ये उसके हिसाब से है। तो जिस तरह देखें मैंने आपको बताया था ना रेलवे लाइन से या नीचे आई मार्केट, फिर यहाँ आगे ऊपर या ऊपर नीचे, देखें ये कंसोलिडेट रही क्योंकि इसके ऊपर नीचे परफॉर्म कर दे रही, नीचे भी गई आई ऊपर भी गई, तो यहाँ पे ये काफी कंसोलिडेट करती रही, फिर ये इसने इसको ब्रेक किया, ये मैं लास्ट वीक भी बता चुका हूँ, तो फिर इसने इसको निगेट किया बेरिश कैंडल को, बुलिश कैंडल अच्छे स्प्रेड के साथ, और वॉल्यूम भी देखे हैं तो वॉल्यूम में बराबर ही हुआ था, ठीक है इतना ज्यादा फर्क नहीं था 951-939, और लेकिन स्प्रेड ज्यादा था इसका, फिर इसके बाद मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। अच्छा यहाँ पर भी इसी तरह मैं आपको बता दूं,
जो है वॉल्यूम कम हुए, कम वॉल्यूम से यहाँ पे हमने सेलिंग देखी है, वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं हुए जितना स्प्रेड हुआ है, ठीक है ना। अगर हम स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड ज्यादा हुआ है, बेरिश एंगल्फिंग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। अगर यहाँ पे ये कोई कैंडल बनती है तो ये कि बेरिश सिग्नल दे रहा है, बेरिश रिवर्सल का। लेकिन मैं अगेन वही कहूंगा, जैसे ये बुलिश था, इसकी नेगेशन भी हो सकता है, यहाँ कोई डोजी बन जाए, फिर यहाँ कोई अपसाइड पर मूवमेंट आ जाए, तो अभी इसकी भी कंफर्मेशन जरूरी है, ठीक है। इसकी अभी तो नेगेशन हुई है, प्लस इसकी कंफर्मेशन जरूरी है। अगर कोई बेरिश कैंडल इसके नीचे फॉर्म होती है तो अगेन फिर जो है मार्केट यहाँ नीचे पे आ सकती है, 69,700। और इवन इसकी जो ये, मैं यहाँ पे भी बता दूँ, मैं आपको खाली लेवल बता रहा हूँ, या कहीं इसके बीच में कहीं से भी ये सपोर्ट आ सकती है, ठीक है ना। अभी ये वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, तो है तो मंथली रिव्यू, लेकिन मंथली में भी ये कैंडल बनी है तो उसकी भी कोई निगेशन या कंफर्मेशन आगे मजीद आई नहीं है। तो मंथ ड्यूरिंग द मंथ ये आप हम काफी इसमें फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो मंथली पे अगर हम आ जाएं, इधर मंथली मैं आपके साथ शेयर करूं थोड़ा सा, इसको मैं ज़ूम इन कर दूं, ठीक है। तो मंथली में भी देखें, अगर यह नेक लाइन सपोर्ट है वो 67,050 के अराउंड ही आ रही है, वीकली पे भी यही आ रही है, लेकिन इस बीच में कहीं भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। लेकिन वही अगेन मंथली पे मैंने आपको ये, इसको मैं बल्कि ये यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि इसके जो MA5 है मंथली का वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये वाला लेवल जो है 65,500, 400, 600, यहीं कहीं पे भी ये मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। तो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं डाउन साइड पे, ये मंथली का है तो ये तो अभी एक्सपोज है 70,600, ऑब्वियसली ये तो इतना फर्क नहीं है। और इसके बाद जो है 69,700, 800, 600, 900, ये जो है वो प्लस माइनस 200, 300 ये हो सकते हैं। तो जिस तरह देखें ना, विक कैसी बड़ी बड़ी बनती है, यहाँ पे अपर साइड पे विक बनी, लोअर साइड पे इतनी बड़ी विक बनी, ठीक है ना, काफी बड़ी विक बनती है यहाँ पे, हर 800 पॉइंट, हजार, क्योंकि ये मंथली पे तो 800 हजार पॉइंट की भी विक बन सकती है, बॉडी अभी बनी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी इसी तरह रिजेक्शन आई है अपर साइड पे, तो इसको क्रॉस करना बहुत, इसको इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है 73,300 का फॉर फर्दर अपसाइड। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको जिस तरह बताया था कि जो है स्पेसिफिक स्टॉक है उनमें नजर रखें। और दूसरा ये 100 इंडेक्स के आइटम है ना, इसमें थोड़ा मोहताज रहे, अभी नीचे पे अगर आते हैं तो थोड़ा थोड़ा रेशनली आप बाय करें, जिनकी ग्रोथ अच्छी है। ये ऑयल सेक्टर से मैंने बताया, अभी पावर सेक्टर भी परफॉर्म कर सकता है आगे, टेलीकॉम सेक्टर में भी गुंजाइश है अभी, तो इनको आप देख सकते हैं इन सेक्टर्स को। ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर ऑल दो के अगर देखें तो काफी RSI हाई हो गया, तो उसमें थोड़ा सा आप देखें करेक्शन का वेट करें, तो उनको आप ऑटो सेक्टर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं डाउन साइड पे। तो स्पेसिफिक स्टॉक आप जाहिर सी बात अनाउंसमेंट आ रही है उनको आप फोकस में रखें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।